आज का जो हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड, वो है दोस्तों डिजिटल मल्टीमीटर किस किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी जो टेक्नीशियन भाई हैं जो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं या फिर मिस्त्री एंड टेक्नीशियन है, वो मल्टीमीटर को अच्छे से चला नहीं पाते हैं या फिर उनसे बहुत ज़्यादा मल्टीमीटर ख़राब हो जाती हैं। तो एक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है मल्टीमीटर के ऊपर। तो ये मेरा मीटर है। आगे बढ़ने से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मल्टीमीटर एंड डिजिटल मल्टीमीटर कैसे उसको यूज करते हैं। तो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं मल्टीमीटर के ऊपर। हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है, अभी आप साफ देख सकते हो डिजिटल मल्टीमीटर है ये दोस्तों। ये बटन वाला यानी ऑन ऑफ, इससे आप बटन से कर सकते हैं। बहुत से डिजिटल मल्टीमीटर में यहाँ पर डायरेक्ट लिखा होता है ऑफ़ का, यानी इसको बीच में अगर आप करते हैं तो ये ऑफ़ हो जाता है इस तरीके का। लेकिन हमारे पास है ये बटन से ऑन ऑफ़ करने के लिए। देखिए अभी ये ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स के बारे में समझते हैं कि कौन किन कितने कितने पॉइंट लगे हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्ट और ओम्स चेक करने के लिए, यानी वोल्टेज चेक करने के लिए वोल्टेज में डीसी भी हो सकता है एसी भी हो सकता है। ओम्स यानी रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए, या फिर आप डायोड भी चेक कर सकते हैं इससे कि डायोड सही है या फिर ख़राब है या फिर शॉर्ट है वो डायोड। अभी हमारा कॉमन पॉइंट आता है यानी जिसे हम लोग ब्लैक तार से नोट करते हैं, यानी निगेटिव कह सकते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, ये कॉमन है। और ये यहाँ पर समझते दोस्तों, ये मिली एम मैक्सिमम एम्पियर चेक करने के लिए। लाइक छोटे मोटे प्रोजेक्ट में या फिर किस चीज़ को चेक करना होता है तो हम लोग एम्पियर से चेक करते हैं। इसके मदद से आप एम्पियर भी आप चेक कर सकते हैं इस क्लाइमीटर के मदद से। और पॉइंट जो होगा दोस्तों वो कॉमन रहेगा। अब बाकी जो रेड वाले वायर होते हैं आप इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। देखिए ये जो ब्लैक पॉइंट है यहाँ पर ऐसे लगेगा, और ये जो कॉमन है मतलब ये जो रेड है यहाँ लगेगा, यानी ये न्यूट्रल हो गया। और ये हमारा फेज मान सकते हैं आप, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इससे आप वोल्टेज भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ओम्स चेक सकते हैं, रेजिस्टेंस कितना रेजिस्टेंस है उससे। अब समझते हैं ये सब जो लिखा हुआ है इसके ऊपर समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करने के लिए ये सब है 2K इतना भी है, यहाँ तक सब आपका रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यानी ओम्स है, यानी रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। अब यहाँ पे आता है दोस्तों ये बजर है, यानी ये जो पॉइंट है ये डिनोट करता है कि इस पर आप डायड वेड जो भी एक कंटिन्यूटी तार सही है या फिर ख़राब है, करंट आना या जाना जो भी मतलब लगा रहता है उसको आप चेक कर सकते हैं इस पॉइंट पर लाकर। यानी इसको आप यहाँ पर लाकर ये जो डॉट देख रहे हैं ये साइन, ये जो डॉट है ये साइन करता है कि ये जो पॉइंट है हमारा इस पॉइंट पर है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ है एंड ए फोर एम्पियर से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 amp 20 amp 200 यानी 10 amp, यहाँ 10 amp तक भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें अवेलेबल है 10 amp चेक करने के लिए। और उसके बाद आता है दोस्तों वोल्टेज चेक करने के लिए, यहाँ पे आप साइन देख सकते हैं लिखा हुआ, यानी डायोड का सिंबल गया, यानी यहाँ पे डीसी है और एसी का साइन है तो यहाँ ये होता है, यानी ऐसे होता है, यानी इस टाइप से होता है वो इस तरीके से। तो यहाँ पे आप डीसी चेक कर सकते हैं, डीसी चेक करना है 2 वोल्ट के लिए, 20 वोल्ट के लिए, 200 वोल्टेज के लिए, 1000 वोल्टेज के लिए। अब एसी पर आते हैं दोस्तों, तो एसी हमारा यहाँ पे है, यानी मिनी में भी चेक कर सकते हैं 2 वोल्ट 20 वोल्ट 200 वोल्ट 750 वोल्ट तक भी चेक कर सकते हैं। अब फराड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप कंडेंसर भी चेक कर सकते हैं, लाइक 200 फराड 200 UF जितना भी कंडेंसर होते हैं आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। यूज करने में सिंपल ही है, बस अगर हमको वोल्टेज चेक करना है तो हम 200 पे रखेंगे डीसी वोल्टेज के लिए। अब जितना भी वोल्टेज है वहाँ पर रख के आप बस जो लीड है उस लीड को वहाँ पर टेस्ट करेंगे और वो अपना यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं इसी प्रकार के और जानकारी के लिए तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर कमेंट करें कि हम आगे क्या आपके लिए लेकर आएँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।